तो दोस्तों आप लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो पे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये पोको C3 डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, ये पोको C3 डिवाइस है। तो गाइज यहाँ पर पोको C3 पे जो न्यू अपडेट आया है MIUI 12.0.7.0, जो कुछ दिन पहले अपडेट आया था, 160 MB इसका साइज था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कि उस अपडेट के बाद यहाँ पर पोको C3 पे क्या क्या न्यू चेंज लॉग, यानी क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिला है। ठीक है, तो पोको C3 डिवाइस की यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ पर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिए, छोटा वीडियो होने वाला है, फुल रिव्यू करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या न्यू फीचर्स यहाँ पर पोको C3 पे अपडेट करने के बाद देखने को मिला है। तो गाइस यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कैमरा की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कैमरा को ओपन करें और यहाँ पर सेटिंग्स में जाए, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा कि सेटिंग्स पे यहाँ पर कैमरा पे पोको C3 पे अभी तक वाटरमार्क नहीं दिया है यहाँ पर Xiaomi ने। ये जो 12.0.7.0 जो अपडेट है उसके बाद भी यहाँ पर जो वाटरमार्क है कैमरा वाटरमार्क वो देखने को नहीं मिला है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर चेंज लॉक की बात करें तो यहाँ पर एक न्यू APK आप लोगों को देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन में, जिसका नाम है वॉलपेपर। तो यहाँ पर होम स्क्रीन में शॉर्टकट कर दिया गया है, यहाँ पर वॉलपेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपके डिवाइस में ये जो वॉलपेपर APK है ये आया है या फिर नहीं आया है वो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। ठीक है, और गाइस यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है इसका लेआउट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और यहाँ पर सेटिंग्स पर जाए तो क्या क्या न्यू चेंज लॉक अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर सेटिंग्स पर जाके हम लोग अबाउट फोन में जाए तो यहाँ पर आप लोगों को न्यू यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है 12.0.7.0, जो स्टेबल अपडेट है। तो क्या यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो अभी तक एंड्रॉइड 10 ही है, अभी तक एंड्रॉइड 11 यहाँ पर पोको C3 पे देखने को नहीं मिला है। तो गाइज यहाँ पर जब भी पोको C3 पे एंड्रॉइड 11 डिवाइस के रिगार्डिंग, एंड्रॉइड 11 अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना अगर पोको C3 डिवाइस की यूजर हो, क्योंकि एंड्रॉइड 11 जो अपडेट है वो पोको C3 पे बहुत जल्दी आने वाला है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है वो जनवरी का कर दिया गया है, लेटेस्ट जनवरी का 2021 का सिक्योरिटी पैच कर दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और गाइस यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इधर सिक्योरिटी स्टेटस में यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को, तो यहाँ पर भी ये भी लेटेस्ट जनवरी का यहाँ पर 2021 का एंड्रॉइड 10 वर्जन के साथ गूगल प्ले सिक्योरिटी अपडेट वो भी चेंज कर दिया गया है। तो गाइस और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर मोबाइल एंड नेटवर्क पे जाए तो यहाँ पर लेआउट थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और गाइस इधर हम लोग अगर वाईफाई पे जाए तो यहाँ पर सेम ही लेआउट है, ज़्यादा कुछ चेंज लोग देखने को नहीं मिला है। और गाइस यहाँ पर कनेक्शन शेयरिंग पे जाए तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, और लॉक स्क्रीन में जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट जो है वो सेम ही है, MIUI 12 अपडेट के जो था वहीं से है। तो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले पे जाए तो यहाँ पर डार्क मोड फाइनली डार्क मोड 3.0 मिल जाता है, पर यहाँ पर लेआउट थोड़ा सा यहाँ पर लेआउट चेंज कर दिया गया है, ज़्यादा कुछ चेंज लॉक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज लॉक कर दिया गया, और रीडिंग मोड 3.0 अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो रीडिंग मोड 3.0 जब भी आएगा पोको C3 पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर होम स्क्रीन में जाए तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल का ऐप वॉल्ट मिल जाता है, जो कि पहले ही था, चेंज लॉक नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर हम लोग आइकॉन साइज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लेआउट आप लोगों को चेंज लॉक देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो लेआउट है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज लॉक देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर चेंज लॉक देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गाइस यहाँ पर 160 MB का अपडेट था। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा अपडेट नहीं था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चेंज लॉक देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उस पर बहुत सारे न्यू चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा पोको C3 डिवाइस पे। ठीक है, तो पासवर्ड सिक्योरिटी पे जाए तो यहाँ पर सेम ही लेआउट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाएं तो यहाँ पर लेआउट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है 160 MB का अपडेट है, ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज जो मेन चेंज लॉग है यहाँ पर आप लोगों को 1 जनवरी का 2021 का सिक्योरिटी पैच मिलता है, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट का यहाँ पर जो ये पोको C3 डिवाइस है अपडेट के बाद ये थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है, लैग को थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बग्स को थोड़ा सा फिक्स कर दिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस यहीं कुछ चेंजेस थे। और यहाँ पर अगर हम लोग लोकेशन पे जाए तो यहाँ पर लेआउट पहले से ही चेंज है, तो ज़्यादा कुछ चेंज लॉग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ नेक्स्ट अपडेट की, अगर ये नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर पोको C3 डिवाइस की, तो यहाँ पर 8.0 आ सकता है या फिर एंड्रॉइड 11 आ सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी अपडेट आ सकता है, जब भी अपडेट आएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस यहाँ पर जो अपडेट है आपके डिवाइस में अभी तक आया है या फिर नहीं आया, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो MIUI 12.0.7.0 जो अपडेट है वो आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताना। और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर पोको C3 डिवाइस की यूज़र हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पर सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं,
पोको सी3 डिवाइस के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लेना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।